तैयारियां कांग्रेस के वालों की गई ने। राहुल गांधी की आमद से भी पूरी तैयारी की गई सी। सब तो पहला राहुल गांधी श्री दरबार साहब नतमस्तक हुए सन। हुण रुक करते हैं अनमोल गुलाटी जा जो साडे लाइव इस खबर से जुड़े हुए हैं। जी अनमोल, लोगों के जोश नजर आ रहा है, पूरी तैयारियां के पुख्ता प्रबंध नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो जेकर गल की जाए भारत जोड़ो यात्रा की तीजा दिन है, दो दिन असी वेख्या किस तरीके भरमा हुंगारा पंजाब वालों जोड़ा कि इस यात्रा में मिल रहा है। राहुल गांधी को लोग पसंद भी कर रहे हैं तो लोग इस यात्रा के नाल जुड़ भी रहे हैं। इस वक्त जिसते असी मौजूद हाँ यो टेंट है जिथे कि तमाम जोड़े लीडर्स हैं, तमाम जोड़े गैसट हैं वो रुके हुए हैं जी। कुछ ही देर बाद इतों ये तमाम लीडर्स निकल के जोड़ी कि यात्रा जी कटनी शुरू करे। थानू दस दिए कि समा हालांकि 6 बजे का सीगा, लेकिन कुछ ही देर बाद राहुल गांधी इतने पहुँच के इस यात्रा अज की पद यात्रा जी की शुरू करेंगे। अज दो पड़ा दे यात्रा होने जा रही है। पहला 12 बजे तक ग्राया यात्रा जी पहुँचूगी, उस तो बाद दोपहर 3 बजे ये यात्रा मुड़ तो शुरू करके 6 बजे फगवाड़ा बस स्टैंड से ये यात्रा जी खत्म की जाऊगी। जोड़े लोग ने वो दूर दूर तो पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखो सवेरे 6:30 का टाइम जरूर है, लेकिन ठंड भी काफ़ी है, पारा भी काफ़ी थले डिग्या है, लेकिन लोगों के जोश से कोई खासा असर जोड़ा कि है वह पैंता इस ठंड का नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि लोग राहुल गांधी के नाल इस भारत जोड़ो यात्रा के जोड़ा कि है जरूर जुड़ना चाहते। जोड़े लोग इतने मौजूद ने भी जरूर गल करेंगे। डॉक्टर रणवीर इस वक्त साढ़े मौजूद ने मैम, जेकर इस यात्रा की गल की जाए किस तरीके लोग तुहानू जुड़ते नज़र आ रहे हैं तो बुढ़लाडा तो, क्योंकि तुसी दा जिहड़े की है इलेक्शन भी कंटेस्ट की है, किस तरीके का प्यार लोगों वालों जिहड़े कि इस यात्रा नू दिता जा रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, सानू इन्ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी की गई है पंजाब प्रधान जी द्वारा, बट फिर भी सानू किते ना किते इन्नी मुश्किल आ रही है कि इन्नी ज़्यादा क्राउड आ चुके है, इन्ना ज़्यादा लोगों से जोश आ चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने ली जो ये यात्रा शुरू की है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके ना ते जोश ना चल रही है। जिस तरह तुसी देख सकते हो कि समा पमा जिन्ना मर्जी लेट हो रहा है या क्राउड उन्ना ही बन वधदा चलिया जा रहा है, और ठंड का सानू कोई असर नहीं हो रहा। ईवन सानू लग रहा है कि होर बूस्ट मिल रहा है इस चीज़ ना कि लाइक एग्जामीनेशन है जिन्होंने असी क्रॉस पास करना है। की लगता राहुल गांधी इस अपने एग्जाम दे विच पास होंगे जिस तरीके नाल लोग जुड़ रहे, क्योंकि देखो सवेर तो एक बार मैं तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, सवेर तो ही भीड़ जी कि ज्यादा इतने लगनी शुरू हो गई है। तुसी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जेड़ी यह भीड़ है उन्हें उन्होंने क्रेडिट्स ने जो उन्होंने गेन कर चुके ने, पास फेल जनता ने ऑलरेडी उन्होंने पास का करार दे चुके ने। बाई जी बाई जी तो बिल्कुल राजा वड़िंग भी इतने तुम देख सकते हो अंदर जाते हुए तस्वीर नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग जिहड़े कि इसी वक्त बिल्कुल जिहड़े कि है तस्वीर दे विच नज़र आ रहे हैं, जिहड़े कि अंदर पहुँचे ने ते कितना कितना कहा जा सकता है कि लोग जिहड़े इस यात्रा दे नाल जुड़ रहे हैं उन्होंने विच जरूर एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है जिसनों लैके लोग इत्थे पहुँच रहे हैं। ठंड का या समय का कोई खासा असर लोगों ते पैंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिहड़ी खास तौर पर जिन मुद्दों नूं लैके यात्रा शुरू की गई है उन मुद्दों दे लई लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ने, ते कितना कितना कहा जा सकता है कि लोग जिहड़े कि इस इन मुद्दों नूं लैके काफ़ी ज़्यादा लोगों नूं लग रहा कि शायद ये सियासत जिहड़ी की है, सियासत का निज़ाम जिहड़ा की है वह बदलिया जा सकता है। इस बार एक बार तुहानूं जिहड़ी अगली तस्वीर उस स्टेज की भी जरूर दिखा दिंदे आ जिथे कि ढाडी जत्थे भी जिहड़े कि है पहुँचे हुए ने, क्योंकि लोग सवेर तो इत्थे पहुँचे ने उन्होंने उन्हों का मनोबल होर वधाउण दे लई राखी इत्थे मौजूद ने, जिन्हां वल्लों खास तौर पर ये लोगों का मनोबल जिहड़ा कि वधाया जा रहा। तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि लोग इस ठंड दे विच भी इस यात्रा दे विच शामिल होण पहुँच रहे ने, हर वर्ग के लोग जिहड़े कि इत्थे मौजूद ने जिन्हां वल्लों इस यात्रा दे विच शामिल शमूलियत जिहड़ी कि दिखाई जा रही है। तुसीं देख सकते हो स्टेज भी जिहड़ी कि इत्थे तैयार है, ते लगातार लोग जिहड़े कि हैं इस यात्रा दे विच जुड़दे नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर युवा वर्ग जिहड़ा कि है वह काफ़ी इस यात्रा दे नाल जुड़िया होया है। लोगों दे नाल गलबात जरूर जिहड़ी कि है करना चाहांगे। भाजी किहड़े मुद्दों नूं लैके तुसीं इस यात्रा दे नाल जुड़े हो, ते राहुल गांधी जी मुद्दों की गल करदे जिहड़ा तुहानूं लगदा है कि जेकर राहुल गांधी को सपोर्ट किया जाए तो यह मुद्दे समाज के जी पॉलिटिक्स है उस सुधार कोई आ सकता है?
बिल्कुल ऐसा था जी। भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है बहुत वधिया कदम है, नौजवान बहुत उत्साह है, चंगी सोच आऊगी, चंगा जज्बा आऊगा सारे विच। बिल्कुल तस्वीर देख सकते हैं असीं कि लोग सवेरे ही जिहड़े कि पहुंचना शुरू करदे ने ते पुत्र दा मूंह देख इक उम्मीद दे नाल आस दे नाल ओहदे दर्शन करदे लोग जिहड़े कि हैं लोकां दे विच इक उम्मीद है कि जेकर इस यात्रा नूं सपोर्ट जिहड़े कि कीता जांदा है तां की नूं कहण लगी जिहड़े मुद्दे ने जिन मुद्दे नूं लै के राहुल गांधी इह यात्रा कर रहे ने, बेशक बेरोजगारी दे मुद्दे दी गल कीती जावे या फिर गल कीती जावे और मुद्दे दी तां तमाम जी अनमोल जी कर लेके जेकर लोकां दे हजूम दी गल कीती जावे तां पंजाब तो इलावा बहुत सारे लोग ने जो वख-वख सूबियां तो इस यात्रा दा हिस्सा बने हुए ने, जो तो यात्रा शुरू हुई है इस यात्रा दा हिस्सा बने ने ते नाल नाल कदम ताल मिला के चल रहे ने। जी बिल्कुल, देखो सिर्फ पंजाब तो ही नहीं क्योंकि यात्रा जड़ी क्या कन्याकुमारी तो शुरू हुई सी। जी जी जी, तो कन्याकुमारी तो शुरू हुई ये यात्रा हुण जड़ी की है पंजाब दे विच चल रही है ते पंजाब दे विच भी जड़े की है लोग जुड़ते जा रहे हैं, जाने के कहा जा सकता है कि यात्रा नू सपोर्ट परवाहुंगा मिल रहा है कि क्योंकि पिंड बोलिया सब किछ जानदा प्यारी सास संगत जीओ। जी बिल्कुल, भरवा हुंगारा जिहड़ा कि इस यात्रा नू जिहड़ा कि है लोकां वल्लों दित्ता जा रहा है। जी जी, ते खास तौर ते कहा जावे देखो तस्वीरां दे विच तिरंगा वी जिहड़ा कि है नजर आ सकदा है। कित्थों भाजी की नाम अपना जी? 3200 किलोमीटर 3200। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान जालौर से हूँ। अच्छा, और कहाँ से चल रहे हैं? कन्याकुमारी से चल रहा हूँ मैं। क्या कारण है कि अगर इस यात्रा की बात की जाए तो इतना लंबा सफर जो तय किया हो उसका कारण क्या है, उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि जो चल रही देश की हालात देख के, जो महंगाई, बेरोजगारी, 2013 के वादे क्या थे और क्या कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, जब अब ये बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मेरा तो यही कहना है कि बंधुत्व खतरे में है, भाईचारा खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, यही कहना चाहता हूँ बस संदेश में। तो बिल्कुल लोगों का कहना साफ तौर पर कि जेकर राजनीति जी जड़ा राजनीति का निज़ाम चल रहा है, जेकर चलता रहा तो लोगों का भाईचारा जोड़ा की है वह खतरे के भाईचारा खत्म हो सकता है, जिसनों लैके जोड़े लोग ने वो इस यात्रा के शामिल होंगे नज़र आ रहे हैं। इस बार एक बार तस्वीर तू बाहर दिखा दें जिते कि लोग पहुँचे हुए हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं तो इस यात्रा के शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम देख सकते हो तिरंगे लैके इस वक्त जोड़े लोग ने इत्थे मौजूद ने, जिन्हां वल्लों इंतजार जिहड़ा कि कीता जा रहा राहुल गांधी का ताकि इस यात्रा दे विच शामिल हो सकन। सवेर का समा 6:30 बजे के करीब का समा तो इस समय भी जिहड़े लोग ने इन्हां दे विच पूरा जोश है इस यात्रा नूं लैके। भाजी की नाम अपना जी, कित्थों आए? बुलाडा हलका जी। बुलाडा, की लगता तुहानूं कि इस यात्रा तो किस तरीके का मैसेज जिहड़ा कि पंजाब दे विच भेजा जा रहा है या विरोधियों नूं की मैसेज जिहड़ा कि मिलना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छे तरीके नाल चल रही है, इसका मकसद भारत च जिहड़ा भी जात पात का कोई हैगा उच नीच भेदभाव चल रहा है उहदे संबंध में सारिया जातां नूं सारे फिरकियां नूं सारे धर्मां नूं एक मंच ते इकट्ठा करके किया जा रहा है, इस करके इहदा संदेश सारा लई बहुत अच्छा जा रहा है। तो बिल्कुल देखो दूर दूर तो बुलाडे हल्के तो होर बथेरे ज तमाम जड़े पंजाब के जड़े हल्के ने उन्हों तो और सिर्फ पंजाब तो ही नहीं जी, ये सिर्फ पंजाब की यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश तो लोग जड़े कि इस यात्रा के मौजूद ने जड़े कि लगातार इतने पहुँच रहे हैं, जिन्हों वालों जड़े कि इस यात्रा के शमूलीयत दिखाई जा रही है तो खास तौर पर राहुल गांधी को सपोर्ट जड़ा कि है वो किया जा रहा है। जेकर लोगों की गल की जाए तो इस पूरी यात्रा जिहड़े कि सपोर्ट कर रहे हैं जिहड़े नौजवान ने खास तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा इस यात्रा नू सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। जी नौजवान जिहड़ा कि युवा वर्ग जिहड़ा कि है उन्हां वल्लों जी सुरक्षा की गल की जावे तां युवा वर्ग वल्लों खासा सपोर्ट जिहड़ा कि है
जेकर सुरक्षा की गल की जाए तो बीते दिन खबर भी सामने आई सन कि लोगों के मोबाइल फोन चोरी हुए सन। हालांकि बाद उस शख्स को काबू भी कर लिया गया सी, पर जो भी पूरा रस्ता है इस यात्रा का जो रूट तय किया गया है हर एक रूट के उत्ते कितनी हद तक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध ने ताकि कोई भी अणसुखावी घटना ना वापरे। जी बिल्कुल, देखो जिहड़ा रूट है रूट के उपर पूरी जिहड़ी की पुलिस वालों सुरक्षा मेनटेन की जा रही है, प्रशासन वालों पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की अणपछाती घटना ना वापरे। लेकिन उसके बावजूद कुछ शरारती अंसर जिहड़े कि वो भीड़ दे विच जरूर होंगे, लेकिन ज़्यादातर जिहड़े लोग ने उन्हां वालों जिहड़ा कि ख्याल भी रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई शरारती अंसर इस भीड़ दे विच ना जिहड़ा कि एंटर करे, क्योंकि ये यात्रा जिहड़ी कि भारत जोड़ो यात्रा एक मैसेज दे नाल है जिस मैसेज नूं लैके लोग भी इस यात्रा दे नाल जुड़ते नज़र आ रहे हैं। हाँ, बच्चे इस यात्रा के नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग इस यात्रा के नज़र आ रहे हैं, युवा वर्ग खास तौर पर इस यात्रा के जुड़ता नज़र आ रहा है। एक बार युवा वर्ग के बारे जरूर पूछते हैं मैम, की लगता थोड़ा कि युवा वर्ग जो खासा जुड़ रहा है उसके पिछे उम्मीद की है कि बेरोजगारी वो मसला है जिसके करके युवा परेशान है जुड़ना चाहते? डेफिनेटली सब तो पहला बेरोजगारी ही मेन मसला है जिसके पिछे अज का यूथ है जिहड़ा स्ट्रगल कर रहा है। एंड सेकेंड लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह मैं आप गल करते हैं कि जो बेरोजगारी होंगी है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा खराब होंगी है। ना चाहते हुए सानू यहोजी चीज़ों से इंडल्ज होना पैंदा यूथ नू, क्योंकि साड़ी कोई इनकम नहीं होंगी, सानू अर्निंग चाहिए ने, असी फैमिली ले रिस्पोंसिबल होंगे हैं। सो ये सब चीज़ा करके ऑटोमेटिकली यूथ नू एक उम्मीद है, एक किरण जागी है और एक यहोजे बूटे नू हुण पानी मिल रहा है जिहड़ा बहुत कमलाया पिया सीगा। ते इही मैडम एक गल कीती रहे ते वखो वख मैसेजेस ने ए जिहड़े कि तुसी लै के आए इहदा की मैसेज है पंजाबी मां बोली नू लै के जिहड़ा? डेफिनेटली मैं एक लैंग्वेज टीचर या प्रोफेसर सीगी और मैं राहुल जी लई एक छोटा जिहा गिफ्ट लेके आई हां जिहदे विच मैं उहनां नू मैसेज करना चाहनी है कि साडी जिहड़ी पैंती है जी इहनू पढ़ो, क्योंकि जिहड़ी दिल दी गल है ना उह असी इस पैंती दे थ्रू ही कर सकदे हां। और इस चीज़ का एक मैसेज लैके एक छोटा जा गिफ्ट जो साढ़े मानसा हल्के वालों, जिस तरह तुसी देख सकते हो पिछे मानसा और इधर बुलाडा खड़ा होया है, तो असी अपनी एक लैंग्वेज का छोटा जा गिफ्ट हल्के वनी उन्होंने देने ले आए हैं जी। तो बिल्कुल देखो अलग अलग मैसेज जिहड़े कि है लोगों के अलग अलग मुद्दे ते जिहड़ी कि है यात्रा की जा रही है। तो पंजाब के लोगों के अपने मसले भी ने, पंजाब दे विच सब तो वड्डा मसला है अपनी माँ बोली का, तो उसनों लैके भी एक मैसेज देने की कोशिश जिहड़ी कि राहुल गांधी नूं की जा रही है ताकि राहुल गांधी इन लोगों के नाल कि जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा एक्चुअली इन लोगों के नाल जुड़ सकन, कनैक्ट कर सकन। जी अनमोल, सियासी पक्ष तो जेकर मैं गल करा तो सियासत भी पक्की हुई नज़र आ रही है इस भारत जोड़ो यात्रा के नाल, क्योंकि बयानबाजियां का सिलसिला भी वध चुका है। विरोध जो दूजियां पार्टियां ने लगातार सवाल खड़े कर रही ने इस यात्रा के बारे, तो कांग्रेस से तंज कसदियां हुई भी नजर आ रही ने। जी बिल्कुल, देखो सियासत भी जिहड़ी कि इस यात्रा ते काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, विरोधी जिहड़े कि लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कितना कितने कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक पासे कांग्रेस का स्टैंड है कि लोगों को जिहड़े कि इस वक्त मुद्दे नहीं उन्होंने मिल पा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ कोई गल नहीं आ रही जिद करके विरोधियों वालों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्थे विरोधी जिहड़े विरोधी धिर जिहड़ी कि है उन्हां दा कहना है कि साफ तौर पर एक सियासी स्टंट है, तो उत्थे ही जेकर कांग्रेस की गल की जाए लीडर्स की गल की जाए उन्हां वालों इस चीज़ तो साफ इनकार जिहड़ा कि किया जाता कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की सियासी कोई इस दे विच शमूलियत नहीं है, ये सिर्फ लोगों के नाल कनैक्ट करने के लिए एक यात्रा की जा रही है। जेकर मैं हुण दी गल करां इत्थे माहौल दी गल करां तां तुसीं दस्सिया कि कन्याकुमारी तो भी लोग इत्थे जुड़े हुए ने, तो उन्हां दे सिर ते केसरी पग देख के पता लगता है कि किस तरह लोग जो ने भाईचारे के रंग दे विच रंगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्नी दूरों दूरों आके पंजाब दे विच आके पंजाब दे विच रंगे जाण दे लोकां दी तस्वीर जो है वह नशर हो रही है। किधर किधर तो बिल्कुल देखो जेकर लोगों की गल की जाए तो जोड़े लोग ने वो लगातार पहुँच रहे हैं, तो साफ तौर पर जी यात्रा की भी बेशक गल की जाती है यात्रा की बेशक गल की जाती है, तो इस उपर वक्त वक्त तरीके का सवाल खड़े किए जाते भाजी। जेकर यात्रा की गल की जाए सियासी वार भी किए जा रहे हैं, वक्त वक्त सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिहड़े लोग ने जो बेशक होर सूबिया तो ने वो भी अपने सिर पर दस्तार सजा के आ रहे हैं, इस दे पिछे मैसेज की है एक्चुअली जो भारत जोड़ना चाहते थे वो जुड़ रहे लगता तुम्हें? हाँ जी सर, तुम देख रहे हो जी अज इन्नी ठंड के लोहड़ी वाले माघी के समय पंजाब के कांग्रेसी वर्कर आम लोग
इतने वध चढ़ के हिस्सा लिता। भी राहुल जी ने पहले ही कहा भी ये नफरत की जो राजनीति खत्म करने वास्ते भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई है। तो मेरा मनना तो लोगों का भी मनना बई इन्नी यात्रा सफल होने तो बाद भी जोड़े लोगों के मन च नफरत का BJP फैला रही है वो नैगेटिव हो रही है तो जरा राहुल जी पॉजिटिव उन्होंने प्यार का जो यात्रा लैके चले ने उन्होंने मन बैठ रही है लोगों के। तो युवा खास तौर पर जो जुड़ रहा उसके पिछले कारण तुम्हें की लगता है कि हर सूबे का युवा जो कि इस यात्रा के शामिल हो रहा है? सर एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी, तो BJP सरकार पिछले 8 सालों तो फेलियर हो रही है। इन्होंने कोई ना कोई इन्होंने नौकरी दिती ना कोई इन्होंने जो भी इन्होंने वादे किए सारे सारे बेबुनियाद सी। तो राहुल जी के नौजवान एक उम्मीद की किरण जागी है इस यात्रा के थ्रू भी आने वाले समय राहुल जी ने राहुल गांधी जो साडा लीडर ने वह देश के भविख वास्ते तो नौजवान के भविख वास्ते आने वाले समय में काम कर। तो बिल्कुल देखो जोड़े नौजवान ने उन्होंने भी उम्मीद है कि भविख के लिए जोड़ा कि काम किया जाऊगा। खास तौर पर बेरोज़गारी एक योजा मसला जिसके करके नौजवान अज पूरे देश का परेशान है, सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का नौजवान जोड़े कि परेशान है। उन मुद्दे लैके यात्रा जी की है वो खास तौर पर क्ढ़ी जा रही है जी। अनमोल किन्नी कु देर च यात्रा जो है वह शुरू होगी क्योंकि देख सकते हैं कि लोग वड्डी गिनती दे विच इकट्ठे हो चुके हैं? बिल्कुल कुछ ही जी, बिल्कुल कुछ ही देर तक यह यात्रा जी की शुरू हो जा रही है। तो राहुल गांधी इतने पहुँचने वाले हैं तो कुछ ही पलों के कहा जा सकता है कि 7 बजे के करीब जिस तरीके अक्सर वेख्या गया कि यात्रा शुरू होती है तो 7 बजे के करीब यात्रा अज भी जी शुरू हो जा रही है। तो शाम 6 बजे तक यह यात्रा जी चलूगी, हालांकि 2 पड़ाव रहेगी। पहला पड़ा 12:30 बजे खत्म हो जाएगा तो दूजा पड़ा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे खत्म हो जाएगा। एक बार चाहवा कि कैमरामैन कहो कि सारा एक दिखाया जाए कि माहौल उत्थे बनया होया है, कितनी वड्डी गिनती दे विच लोग पहुंच रहे ने नी ठंड होने दे बावजूद भी। जी बिल्कुल चाहवांगे नज़ारा एक बार दिखाना तुहानू। देखो तिरंगे लैके खास तौर पर दूर दूर तो तिरंगे लैके अपनी तकड़ियां लैके जिहड़े की है लोग इत्थे पहुंचे हैं उसके पिछे साफ तौर पर जिहड़ा की है कारण यही है कि लोगों के दिलों के उम्मीद है कितना ना कितना कहा जा सकता कि जो जो कमियां लोगों नू लगदियां बेशक सरकारां दे विच या सिस्टम दे विच उन कमियां नू लैके शायद अज लोग इन इस यात्रा दे विच जिहड़े की है शामिल हो रहे हैं। तो जरूर इस यात्रा दे विच शामिल हो के जिहड़ा की है लोगों नू एक उम्मीद की आस भी जिहड़ी की जागदी नज़र आ रही है कि जिहड़े लोग ने उन्हां नू जिहड़े की है किसी भी तरीके दे नाल जिहड़े होर मुद्दे ने जिन मुद्दों लैके खास तौर पर यात्रा जिहड़ी की जा रही है उन मसलों नू लैके राहत जिहड़ी की है लोगों नू मिले। तो उस राहत दे लई किते ना किते लोग अपना जिहड़ा कि इस यात्रा दे विच शामिल हो रहे हैं। तिरंगे लैके इत्थे जिहड़े की पहुँच रहे ने ते इत्थे कि सूबे का मसला नहीं है, ये पूरे देश की पूरी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा दे विच किसी एक सूबे तो नहीं बल्कि हर सूबे तो पूरे देश तो कई किलोमीटर लंबा यह सफ़र तय करने तो बाद इत्थे जिहड़े लोग ने वो पहुँच रहे ने जी। तो देखो तुसीं देख सकते हो सवेरे सवेरे इत्थे एक शख्स ने जिहड़े कि नारे ला रहे ने भारत जोड़ो दा सत श्री अकाल। तो भाजी क्या नाम जी, कहाँ से दस्तार से पता लग गया बाबा जी? कहाँ से है जी? फ्रॉम द नई दिल्ली जी। नई दिल्ली दस्तार बहुत सुंदर सजाई है, इसका कारण क्या है? बाबा जी देखो आपके इतना पवित्र आदमी मैं आज तक नहीं देता। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो हिंदुस्तान की तादाद जो किसान जो आंदोलन कर रहा था गाजीपुर बॉर्डर में, एक एग्जाम्पल गाजीपुर बॉर्डर में जो आंदोलन कर रहा था तो हिंदुस्तान की सारी 140 करोड़ जनता के पास खेती है तो उस खेती को कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS तो इतनी बड़ी साजिश रखी कि अंग्रेज के 3 काने कानून इस पार्लियामेंट में 303 पार्लियामेंट इस कानून को अमल में लाए। लाने के बाद में जो किसान को इतना मुश्किल में ला चुका है कि हिंदुस्तान के 45 संगठन ने भी जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर टिकरी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर उस बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं तो उसको हिम्मत देने के लिए 45 संगठन इस गाजीपुर बॉर्डर में पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उनको इतनी तकलीफ दी कि आधी रात में जो संगठन गाड़ियों पे आ रहे थे हजारों लोग सवों से लोग
तो वो लोगों को आधी रात में स्प्लिट करके उनकी गाड़ी का ड्राइवर अलग और पब्लिक को अलग जंगल में भगा दिया गया है। ये 100% मैं प्रूव करके बताता हूँ देश के प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्ट्री को। तो आप इस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, इस वाहेगुरु जी की इतनी बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान के सारे किसानों को आपने बचा दिया है। तो इतने एक साल 8 महीने तक आंदोलन किया गया है, 800 लोग मर चुके हैं और इतने ठंडी कड़ाके की ठंडी में वो किसान, सारे हिंदुस्तान के किसान वहाँ मौजूद है आपके पास हंगर स्ट्राइक करें। लेकिन आप जो है इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मुकाबला करके इस काले 3 कानून डिलीट किया गया है, तो इसमें किसान जीता और आपने वाहेगुरु, किसान जीता वाहेगुरु जीता और देश के प्रधानमंत्री आरएसएस कट्टरवाद लोग हार चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जब 800 लोग मर चुके हैं, फिलहाल वेला इजाजत दा हो गया है, गलबात दा सिलसिला मुड़ तो जारी करांगे, पर फिलहाल हुंदे हो इजाजत, देखते रहो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल।